को नमस्कार। और आज मैं अपना तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। और उस दिन काफ़ी लंबा हो गया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन में। सो अभी आज अपना टारगेट है कि अपन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ख़त्म करें, कुछ उसके आगे कंप्यूटर्स के बारे में बात करें। और आज मैंने कोशिश किया है कि मैं एक डेमो सॉर्ट ऑफ कर लूँगा, हार्डवेयर का डेमो करने की कोशिश करूँगा। सो उसमें मदरबोर्ड को अपन डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। मैं मेरी इस क्लासेस के माध्यम से ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं हार्डवेयर रिपेयर करना आपको सिखाऊं। मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि हार्डवेयर में अगर कोई फॉल्ट हुआ है या कुछ समस्या आई है तो वो हम कैसे खुद घर पे क्या क्या देख सकते हैं, सिर्फ वो सिखाना मैं चाहता हूँ ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाने वाला हूँ उसको, बेसिक लेवल पे मैं काम करने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने पूरा एक सेटअप बनाया है, थोड़ा सा समय लगा इसको सेटअप बनाने में। ये हमने एक दूसरा कैमरे का अरेंजमेंट किया हुआ है और ये मदरबोर्ड को फोकस कर रहा है, फिर मैं आपको उसको और फोकस करके दिखाऊंगा। तो वैसा एक कुछ सेटअप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो अपना आज का जो टारगेट है, स्लाइड से मैं आपको दिखाता हूँ, अपने को फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और आगे के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसको डिस्कस करना है। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले, जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था कि भाई व्हाट डू यू थिंक विच इज़ दी सेफेस्ट मैथड टू स्टोर डेटा। तो दो लोगों ने आंसर दिया था इसके ऊपर, एंड द आंसर इज़ मैग्नेटिक टेप। तो यस, दिस आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मैग्नेटिक टेप इज़ दी ओनली मीडियम वेयर यू कैन कीप योर डेटा सेफ फॉर 125 ईयर्स। बट लोगों को क्या लगता है कि यार इतना बड़ा मीडियम कौन कहाँ रखेगा, भाई छोटी छोटी पेन ड्राइव आ रही है उसमें डेटा रखो। बट दैट इज़ नॉट दी करेक्ट डिसीजन। इवन अगर आप किसी न्यूज़ रूम में देखेंगे या किसी न्यूज़ चैनल से आपका कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वो पूरा का पूरा अपने जो वीडियो क्लिपिंग्स है वो सारा का सारा वो टेप्स में रखते हैं। तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, उसमें कम डेटा आता है, बट दैट इज़ दी सेफेस्ट मीडियम। क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क में डेटा रखा हुआ है ये सोच के कि हाँ डेटा मेरे पास सेफ़ है, बट वन डे मुझे पता चला कि अचानक से मेरी हार्ड डिस्क ख़राब हुई, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है गया ख़राब, मैं कुछ नहीं कर सकता, सीडी ख़राब हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कोई मीडिया सेफेस्ट नहीं है। मतलब पेन ड्राइव को तो आप लोगों में से काफ़ियों ने ये महसूस किया होगा कि सपोज़ आपने 8 GB की पेन ड्राइव खरीदी तो धीरे 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 उसका साइज़ घट के 7 GB पे आ गया होगा, कि अब उसमें 7 GB यूजेबल स्पेस है। तो मीडियम से सब सिलिकॉन के बने हुए हैं, इनकी एक लिमिटेड लाइफ है। हर चीज़ के साथ ऐसे ही होता है कि उसकी धीरे धीरे लाइफ ख़राब होगी। मतलब आप देखेंगे कि आपने एक फ़ोन ख़रीदा नया सैमसंग का, आपने उसमें कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप 6 महीने बाद महसूस करेंगे कि यार ये फ़ोन थोड़ा स्लो हो गया है। आपने स्लो को फास्ट करने के लिए एक बार रीसेट कर लिया तो भी स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है वो उसकी लाइफ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, कम होने लगती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट सब जगह है। ओके, तो हम फोर्थ जनरेशन में बात कर रहे थे। फोर्थ जनरेशन इज़ बेसिकली, यहाँ आप देखेंगे कि मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर देन इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। तो हम, ये हमारी आज की जनरेशन है, इस जनरेशन में हम आज काम कर रहे हैं, है ना। इस जनरेशन का सिस्टम अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सिस्टम, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अभी ये हमारा एक कंप्लीट सिस्टम हो गया है। इस सिस्टम में हम सारा सारा कुछ मैं आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक ये कंप्लीट सिस्टम है। कौन सी जनरेशन? फोर्थ जनरेशन का। अब इसको कवर करने के लिए आप कैबिनेट लगा लेंगे तो कैबिनेट से आपका पूरा सिस्टम इस कैबिनेट के अंदर इंटीग्रेट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जो भी है वो ये मदरबोर्ड ही है, सारा सब कुछ इसी में रखा हुआ है। तो हम इस कॉम्पैक्ट लेवल पे आ गए, ना सिर्फ हम इस कॉम्पैक्ट लेवल पे आ गए, लेकिन अगर आप देखेंगे आगे, ये जो मैं आपको वाइट कलर का बॉक्स दिखा रहा हूँ, दिस इज़ रेसबेरी पाई। रेसबेरी पाई, अभी मैं रेसबेरी पाई का आपको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ, पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट कंप्यूटर है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ रेसबेरी पाई, इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न। इसकी कॉस्ट अभी कुछ दिन पहले तक 2,500 3,000 कुछ ऐसी कॉस्ट होती थी, और ये कंप्लीट कंप्यूटर। इसमें अगर आप इधर देखेंगे ना तो ये
यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स हैं, लैन पोर्ट्स हैं, साइड में अगर देखेंगे तो इसमें एचडीएमआई पोर्ट है जिससे आप आउटपुट ले सकते हैं। आपको स्पीकर का आउटपुट दिख रहा है, इसको चार्जिंग करने के लिए यूएसबी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दिस इज़ कंप्लीट कंप्यूटर। और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट कंप्यूटर, महंगा होगा 20,000 22,000, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप रेसबेरी पाई ले सकते हैं। और मैं सजेशन दूंगा, अगर आप मेरे से कोई पूछेगा कि किसी काम को करने के लिए नया कंप्यूटर लेना है, तो मैं कहूँगा नया कंप्यूटर क्यों लेना है, आप बिल्कुल मत लो। आप कभी मेरे एमपी नगर में सेंटर है, आप कभी आके मेरे से संपर्क करो। इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स इंदौर में मिल रही हैं हमारे यहाँ रिफर्बिश्ड रीसेल में, क्योंकि कंप्यूटर की एक लाइफ ना, ऑन एन एवरेज वो 7-8 साल तो चलेगा ही चलेगा। जो खराबी होगी वो जो हार्डली मैक्सिमम, अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी आई बहुत बड़ी, तो 1,000 2,000 500 रुपये में सही हो जाएगी। तो आप नया कंप्यूटर लेके उसमें इतना सारा पैसा क्यों फंसाना चाहते हो? मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की नहीं। लैपटॉप भी चाहिए सेकेंड हैंड, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है 3 साल ही रहेगी, आप कितना ही महंगा सिस्टम ले लें, 3 साल के बाद आपको नया सिस्टम परचेज करना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, वो सिस्टम बेकार, वो सिस्टम आउटडेटेड, स्लो चलने लगेगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा लेके आए सेकेंड हैंड, उससे अपना 2-3 साल काम करें, उसको बेच दें, 50% से भी कम कॉस्ट में मिलते हैं आपको। और नहीं लेना है, घर पे लेना चाहते हैं, घर पे आप सिंपल मान लीजिए ये जो रेसबेरी पाई मैंने अभी आपको डिवाइस दिखाया, मतलब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन सॉरी शेयर्ड है मेरी, मैं यहाँ पे आपको रेसबेरी पाई ओपन करके दिखाता हूँ, आप इसको देखिएगा कि ये किस लेवल का कंप्यूटर है रेसबेरी पाई। तो अभी इसके रेट्स कुछ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, थोड़े से वेट कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले 10,000 का था, अभी 7,999 का होगा, अभी वापस अभी कम आएगा, सेटल होगा अपने प्राइस पे। लेकिन आप इसको देखेंगे ना तो ये कंप्लीट कंप्यूटर, मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ, ये दिखाया था मैंने अभी आपको रेसबेरी पाई, तो ये कंप्लीट कंप्यूटर है, इसके अंदर सब कुछ है। यूएसबी टाइप सी भी है इसमें, यूएसबी 2.0 3.0 ईथरनेट, और आपको अपने घर के लिए सिक्योरिटी लगानी है तो आप क्या करते हैं, एक डीवीआर खरीदते हैं, कैमरा वैमरा सेटअप लेते हैं 12-15 हज़ार रुपये का। आप एक रेसबेरी पाई खरीदें, एक कैमरा खरीदें, बमुश्किल आपका 5-6 हज़ार रुपये में पूरा सेटअप चालू हो जाएगा। इसके प्राइस अभी कम आएंगे, ये 2,800 रुपये का ही है, पिछले 8-9 साल से 2,800 रुपये का ही है, क्यों ऊपर चला गया वो मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन ये आ जाएगा। तो कंप्लीट कंप्यूटर है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि देयर इज अ मेजर चेंज बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। यहां पे पीसी एक्चुअल पर्सनल कंप्यूटर बन गया, हम आप लेने लगे, कंप्यूटर्स आने लगे, मतलब इंटेल ने अपने प्रोसेसर लॉन्च कर दिए, इंटेल और एएमडी दो कंपनी है, यहां पे इंटेल का ही प्रोसेसर लगा डायग्राम में, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर कि आप एएमडी सिस्टम लें। एएमडी प्रोसेसर्स कंपेयर टू इंटेल सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी हैं, वैसे ही हैं, लीडर इज़ एएमडी। एएमडी 64-बिट टेक्नोलॉजी लेके आया, एएमडी डुअल कोर टेक्नोलॉजी लेके आया, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में एएमडी बहुत आगे। अनडाउटेडली इंटेल की मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप सब जगह देखेंगे इंटेल ही इंटेल, जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का और लिनक्स का केस है, आप हर जगह देखेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही देखने को मिलेंगे, लेकिन लिनक्स इज़ फार बेटर। इवन मैं एक मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। तो लिनक्स सब जगह, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी लिनक्स है, बट हमें उसकी मार्केटिंग नहीं दिखती, हमें विंडोज़ ही दिखता चारों तरफ, तो हमें यही लगता है कि हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही खरीदना है। तो मेजर चेंज है, बहुत सस्ते और बहुत छोटे कंप्यूटर होने लग गए हैं यहाँ पे। जब मैंने कंप्यूटर्स में एंटर किया था तो P2 प्रोसेसर चल रहा था, और P3 आया था जस्ट, तो P3 बहुत ही निश क्लास जो होता है सोसाइटी का, वो इसको परचेज करता था। तो ये डिफरेंस है, सॉरी P3 जो प्रोसेसर आया, मैं बात कर रहा था फोर्थ जनरेशन की। तो जब मैं सिस्टम्स में आया था तो P3 कुछ 300 MHz का एक CPU आया करता था, 400 500, देन हमें पता चला 600 800 एंड 1 GHz। सो आई बिलीव कि 2000 में 1 GHz, 2000 या टू हाँ 2000 में 1 GHz के CPU आ गए थे इंटेल के, पेंटियम 4 2 1 GHz। उसके बाद तो बहुत तेज़ी से जंप मारा, फिर वो पहुंच गया 4 GHz तक,
फिर अपन उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे कि उनको लगा कि नहीं हमने बहुत बड़ा प्रोसेसर बना दिया, इससे काम नहीं हो रहा है, प्रोसेसर आ गया 4th जनरेशन में 4 GHz तक के, काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, कि हमारे पास एक रॉयल इनफील्ड है, बुलेट है। सो बुलेट के अंदर एक इंजन डाला हुआ है 550 CC का। 550 CC का जो बुलेट का इंजन है, ये इंजन से आपको क्या मदद मिलेगी? सपोज़ मैं मेरे शहर की बात करता हूँ, भोपाल की। सो आप भोपाल में रह रहे हैं, आपने 550 CC इंजन की एक रॉयल इनफील्ड ले ली, आप घर से निकल के ऑफिस आते हैं, ऑफिस से निकल के घर जाते हैं, या आपका जो भी लोकल शेड्यूल है वो आप वो पूरा करते हैं। एक्सेप्ट शोबाजी, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है बुलेट में? मैं मतलब चाहूँगा कि इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में मिले। मैं उसकी जगह उसी साइज़ के इंजन में छोटे छोटे 5 बजाज की बॉक्सर बना देता, बजाज प्लेटिना 5 बना देता। 550 CC में मेरी 5 बजाज प्लेटिना बन जाती 100 CC की। जितना टाइम रॉयल एनफील्ड लेगी मेरे घर से ऑफिस आने में, उतना ही टाइम एग्जैक्टली प्लेटिना लेगी। उल्टा, रॉयल एनफील्ड हैवी है तो मेरे को उसको ट्रैफिक में थोड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा, प्लेटिना को तो मैं एकदम पायलट टाइप लेके आ जाऊँगा। पायलट बोलते हैं हमारे भोपाल में, जो शार्प ड्राइवर्स होते हैं उनको। ओके, तो मैं बहुत तेज़ी से लेके आ जाऊँगा। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बड़ा CPU है, बड़ा CPU जो है, वो CPU हमारे किसी काम का नहीं, हमें छोटे छोटे CPU चाहिए होते हैं। तो अपन इसको पर डिस्कस करेंगे। तो मैं बस मैंने ये आपको वीडियो में क्वेश्चन दिया है कि बड़े जो मेरी रॉयल एनफील्ड है, उससे लुक लुक और शोबाजी के अलावा क्या फ़ायदा है कि मैं उसको लूँ और एक बजाज प्लेटिना ना लूँ? क्योंकि जितना साइज़ का इंजन है, उतने साइज़ में 5 बजाज प्लेटिना मैं बना लूँगा। तो यही हमारे कंप्यूटर से है कनेक्टेड। मैं आपको समझाऊंगा, कुछ डुअल कोर टेक्नोलॉजी समझाने वाला हूँ, तो तब ये काम आएगा। लेकिन ये मेरा व्यूअर्स से क्वेश्चन है, व्यूअर्स आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि एटलीस्ट दे आर वॉचिंग। हो सकता है शायद उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा करे मेरी ये क्लासेस। ओके, सो यहाँ पे LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होलेगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि आप ये देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है और यहाँ पे ये जो चिप दिख रहा हमें, इसमें इतने बड़े बड़े पिन्स हैं और लिमिटेड पिन्स हैं। से मैं अगर काउंट करूँगा तो शायद ये 10 होंगे, तो 10 और 10 उस तरफ 20, और ये बड़ी सी चिप है। लेकिन अभी जो है इस जनरेशन में, आप देखिए अगर आप इसको समझ पाएँ कि यहाँ पे मैं आपको रेसबेरी पाई का कैमरा चेंज करता हूँ और आपको रेसबेरी पाई का एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ओके, फिर से आप इसमें देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे वो जो बड़ी चिप थी, अब वो कितनी छोटी हो गई है। मतलब वो उस बड़ी चिप की साइज़ जो है वो इससे भी बड़ी है, लेकिन इसके नीचे तो पूरा मेरा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वो जो चिप है, वो ये छोटी वाली जो आपको ब्लैक चिप दिख रही साइड में, ये कुछ इस साइज़ की चिप हो गई है। तो यही वो कहना चाहते हैं कि इन दिस जनरेशन वी आर डूइंग LSI एंड VLSI, सो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चेंज कर रहे थे यहाँ पे। तो हायर प्रोसेसर स्पीड, मैंने आपसे कहा कि इसी जनरेशन में जो है प्रोसेसर स्पीड 100 MHz। मतलब मैंने एक सिस्टम पे काम किया था, वो 486 सिस्टम था। 486 आते थे, उसके बाद Pentium 1 आया, फिर Pentium 2, Pentium 3, ऐसा। तो 486 सिस्टम, 66 MHz का वो CPU था। ये अपने आप में, अगर अपन आज सोचो ना कि मैंने एक 66 MHz के CPU पे गेम खेले हुए हैं, तो अजीब सा लगता है कि यार वो क्या सिस्टम थे। और उसमें हम बहुत खुश थे कि ये बहुत बढ़िया है। और यही मैं समझाने के लिए आपको जनरेशन्स पढ़ा रहा हूँ कि हमें ये समझना है कि हमारी नीड क्या है। सपोज़ ये आपका पर्सनल काम नहीं है, यू आर कंसल्टेंट टू एनी ऑफ द डेटा सेंटर एंड दे आस्क यू कि मिस्टर हेमराज प्लीज़ सजेस्ट मी कितना स्टोरेज में परचेज कर लूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे को इतनी इमेजेस स्टोर करनी है, मैं कितना स्टोरेज ले लूँ, मैं उसको अंदाजे से कुछ भी बोल दूंगा। तो मतलब नहीं ना इस बात का, हमें हमें कैलकुलेशन लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आज आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि मैंने नोट्स
ओपन किए और टेक्स्ट एडिटर ओपन किया मैंने, और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर में, न्यू फाइल। और मैंने आपसे पूछा कि आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये हमारी आईटी का फुल फॉर्म है, टेक्निकल एजुकेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन मैंने लिखा है, ये कितना स्पेस लेगा कंप्यूटर पे स्टोर होने में, आज का क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, है ना। एक आपको बताना है कि बुलेट के 550 सीसी इंजन का या बुलेट का क्या एडवांटेज है कि मैं इतनी बड़ी वो लूँ शोबाजी, और आपको उस पर नहीं जाना है, आपको यूज़ बताना है, यूज़ केस। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये डेटा मेरे को कंप्यूटर में स्पेस स्टोर करना है, तो ये कितना MB स्पेस लेगा, कितना GB लेगा, कितना KB लेगा, क्या लेगा, ये आपको मेरे को कैलकुलेट करके कमेंट्स में आंसर देना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं इसी में। तो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक चिप्स बनने लगे। पहले क्या होता था कि आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला मदरबोर्ड एक हमारा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये हमारा एक मदरबोर्ड है, सी मेरे वीडियोस बड़े इनफॉर्मल है, मैं क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है कि मेरे को यहाँ अपने वीडियो शूट करके मेरे को शाहरुख खान बनना है या मेरे को बॉलीवुड में जाना है, कुछ काम करना है। मेरे को तो नॉलेज जो मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वीडियो के फॉर्म में रखूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इन वीडियोज़ को देखें और फिर काम करें, फिर डिस्कशन करें। अब आप देख रहे हैं कि जो मदरबोर्ड है इसमें स्लॉट्स हैं, ये वाले, ये स्लॉट देखिएगा। तो पहले ये स्लॉट्स में यूज़ होने के लिए लैन कार्ड आता था, VGA कार्ड आता, साउंड कार्ड। अभी ये सिस्टम में लैन और VGA, जो पहले बड़ा सा कार्ड होता था, इतना बड़ा मेरे हाथ के साइज़ का कार्ड होता था जैसा अभी आपको इसमें दिख रहा है, अभी जो है इसमें साउंड कार्ड की चिप जो है, मेरे को उठ के पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबली इस साइज़ की चिप होगी इसमें कहीं पे, आप ये जो ये वाला जो साइज़ देख रहे हैं, इस साइज़ की कहीं पे चिप होगी साउंड की, इस साइज़ की इनमें से कोई एक VGA की चिप होगी, जो आपका डिस्प्ले है, आप बोलते ना ग्राफिक अडेप्टर चाहिए हमें, ग्राफिक अडेप्टर में हमें अच्छा प्रोसेसर चाहिए, उसके अंदर अच्छी रैम चाहिए, तो वो आप एडिशनल इस मदरबोर्ड में यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए तो इस चिप में आपका काम हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इंटीग्रेशन इज़, इंटीग्रेशन होता जा रहा है। तो साउंड कार्ड भी, हर एक चीज़ के, पहले हर एक चीज़ के ऐसे स्लॉट्स होते थे, अपन इन स्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो है ये PCI स्लॉट है, ऐसे ही स्लॉट्स आते थे पहले, आईजा स्लॉट्स, ईजा स्लॉट्स, ऐसे अलग अलग स्लॉट्स होते थे जिनमें हम काम करते थे। ओके, तो मैं आपसे कह रहा था कि मेरे जो वीडियो हैं वो मैं लाइव शूट करता हूँ ना, उसमें मैं एक शब्द को एडिट करने की कोशिश करता हूँ, आपको कुछ चीज़ लगती है अरे सर ये क्या बोल गए, एडिट भी नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं है ना। अब मेरा पर्पज़ क्या है, नॉलेज ट्रांसफ़र करना, तो आप इनको इनफॉर्मल वीडियोज़ के तौर पर ही लीजिएगा कि हम इनफॉर्मल वीडियो देख रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली एडिटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डेड है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर्स यूजिंग वेरी हाई स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये दिस इज़ दी माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रो कंप्यूटर्स में लगते थे, मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स छोटी साइज़ के कंप्यूटर, बहुत ही छोटी साइज़ के, आपके और हमारे लैपटॉप्स आ गए, सो लैपटॉप इज़ माइक्रो कंप्यूटर। ओके, सो अभी तो मैंने आपको बहुत ही माइक्रो चीज़ दिखाई, रेसबेरी पाई। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया साहब जो कि यूज़र फ्रेंडली है। तो उससे पहले वाली जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे वो सिर्फ कमांड लाइन में चलते थे, आप वहाँ पे कमांड्स पास कर सकते थे। तो ऐसे आपको एक टर्मिनल मिल जाता है, आपको यहाँ पे कमांड्स पास करनी है और काम करना है, तो हम इस सिस्टम में काम करते थे, कमांड से ही सारा काम। मेरे को डेटा देखना है तो मेरे पास एक कमांड है LS, मैं ऐसे डेटा देख पाऊँगा, तो उसने मेरे सिस्टम में जो डायरेक्टरीज है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे फोल्डर्स के नाम दिखा दिए, तो ये कमांड्स ही यहाँ पे चलती थी। और इन कमांड से मेरा मतलब सिंपल ये है, ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले GUI वाले नहीं होते थे, जैसा आप मेरा सिस्टम देख रहे हैं, कमांड लाइन वाले सिस्टम्स होते थे। ओके, हार्ड डिस्क यूज़ होने लगी, इससे पहले हार्ड डिस्क नहीं थी प्रॉपर, तो हार्ड डिस्क, अच्छा मैंने जो एक हार्ड डिस्क पे काम किया है मेरे बॉस के साथ, वो हार्ड डिस्क का साइज़ बताऊंगा तो आप लोग लगे ये तो कुछ ज़्यादा छोटा बता दिया सर ने। दी साइज़ ऑफ दैट हार्ड डिस्क इज़ 40 MB का वो डिस्क हुआ करता था जिसमें हम काम कर रहे थे, 40 MB।
सो इमेजिन 40 MB का साइज़ है उस डिस्क का। रैम रैम भी मैं आपको बताता हूँ कि किस रैम के सिस्टम पे मैंने काम किया है। तो वो रैम का साइज़ 1 MB भी नहीं था, उस रैम का साइज़ था 660 KB इस सिस्टम पे काम करके। और उस सिस्टम पे मैं डेव और मारियो ये सारे गेम खेला करता था, मतलब टाइम में, फ्री टाइम में। तो बढ़िया चलता था वो सिस्टम, ऐसा नहीं कि नहीं चलता था। तो मैं भी यही समझाना चाहता हूँ कि बड़े सिस्टम की हमें हमेशा ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि हमारा यूज़ केस क्या है, अकॉर्डिंगली हम सिस्टम परचेज करेंगे। हो सकता है ये जो छोटा सा रास्पबेरी पाई मैंने आपको दिखाया, आपका इसमें काम हो जाएगा। ओके, लैन आ गया यहाँ पे, प्रॉपर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग दो सिस्टम्स के बीच में नेटवर्क चलाने लगे। वैन आ गया, वाइड एरिया नेटवर्क, हम इंटरनेट चलाने लगे। इंटरनेट से पूरी दुनिया अब हमारा परिवार हो गई, हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स 4th जनरेशन में आ गए, ये 4th जनरेशन में अपन ने कवर किया। देन वी हैव 5th जनरेशन। सो 5th जनरेशन मैंने कहा कि फ्यूचर, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ फ्यूचर। तो हम देखते हैं यही सब 5th जनरेशन है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, इन सब पे रिसर्च चल रही है, बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। कहीं हमने हमने एक मूवी देखी, जिस दिन आपके बगल से रजनीकांत की जो मूवी थी, जिसमें रजनीकांत साहब चिट्टी बने हुए थे, किसकी मूवी थी मैं तो भूल ही गया नाम शायद। तो वो जो चिट्टी, जिस दिन सच्चाई आपके बगल से गुजर जाए, आप समझ लेना कि हम फ्यूचर, हम 5th जनरेशन में आ चुके हैं। अभी वॉर सैनिक नहीं लड़ेंगे, हमारे रोबोट्स लड़ेंगे। तो ऑल द वॉर्स अभी भी रोबोट ही लड़ रहे हैं थोड़ा बहुत, आप देखेंगे तो जो ड्रोन है, ड्रोन अभी खुद ही लड़ते रहते हैं आपस में। तो वो चल रहा है, लेकिन अभी उतना कॉमन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने इसको फ्यूचर लिखा हुआ। जब ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा तब हम 5th जनरेशन मान लेंगे, हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आ चुके हैं। ओके, तो दिस इज़ वॉट 5th जनरेशन इज़। तो यहाँ अपनी जनरेशन ख़त्म होती है, अपन आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। सो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए मैंने एक सर्च करके रखी हुई है आपके लिए कि एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं उनके एग्जांपल्स, तो एनालॉग कंप्यूटर्स कहाँ होते हैं, मतलब एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं पे टायर किसी अपनी गाड़ी में हवा डलवाने गए टायर में, तो वहाँ पे वो एनालॉग मीटर लगा हुआ है, तो दैट इज़ एनालॉग मीटर, वो कैलकुलेट करके बताता है। वोल्ट मीटर, ये सब एनालॉग मीटर्स हैं। तो ये एनालॉग फॉर्म के एग्जाम्पल्स है कि यहाँ पे हमें ऐसे एनालॉग फॉर्म मिल रहा है। कहीं कोई एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो 5 एनालॉग डिवाइसेस देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। सो एनालॉग वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, स्टीम इंजन है। तो ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर्स के भी एग्जाम्पल है। मेजरली जो 1st और 2nd जनरेशन थी, इस समय एनालॉग कंप्यूटर्स चला करते थे। नाउ वी हैव डिजिटल सिस्टम, हाइब्रिड, वो बीच में कुछ समय के लिए रहा हाइब्रिड, जिसका आधा काम एनालॉग होगा आधा काम डिजिटल होगा, बट नाउ वी हैव प्रॉपर डिजिटल कंप्यूटर्स। सो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कैटेगरी में हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, हम इसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं हम ऑफिस के उन सिस्टम्स को जो कि सर्वर नहीं है, लेकिन हमारे और आपके जैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको यूज़ करने के लिए जो सिस्टम हमें मिला हुआ वहाँ पर, वो वर्क स्टेशन है। तो वर्क स्टेशन हुआ जहाँ पे हम काम कर लेंगे। मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये भी 3rd जनरेशन के सिस्टम से मेन फ्रेम। मेन फ्रेम एक अच्छा सिस्टम है, आपने कहीं ना कहीं मेन फ्रेम सुना होगा। एंड देन वी हैव सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम के ऊपर मेरी एक स्लाइड है, मैं आपको बताता हूँ, सुपर कंप्यूटर भी डिस्कस करते हैं। सो मेन फ्रेम एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम में आपके हजारों यूजर्स उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाते थे। अभी आप याद करिए कि जिसने मेरा दूसरा वीडियो या पहला वीडियो देखा हो, मैं बात कर रहा था कि भारतीय रेलवे रिजर्वेशन कैसे करता था। सो भारतीय रेलवे के पास रिजर्वेशन के लिए पहले इनके पास मेन फ्रेम सिस्टम्स थे, और क्या लिखा हुआ था उस इमेज में कि हज़ारों सिस्टम एक साथ इनपुट दे सकते हैं। तो हज़ारों रिजर्वेशन काउंटर थे हमारे पास, जहाँ से हम टिकट रिजर्व करवाते थे। एंड ये जो रेलवे है, ये डिवाइडेड है 16 डिफरेंट जोन्स में, तो इनके मल्टीपल सर्वर्स थे, और उस जोन के सारे रिजर्वेशन सेंटर वहाँ के एक सर्वर से कनेक्टेड है। तो इनका फिर एक सेंट्रल डेटाबेस होता था, तो वो एक सिस्टम एक था, लेकिन उससे हज़ारों सिस्टम्स कनेक्ट थे, हज़ारों टर्मिनल्स। हमारे पास एक मॉनिटर है जिसमें हमें क्या दिखता था कि वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है, रिजर्वेशन है या नहीं है। फिर मैं बस कीबोर्ड में यहाँ से इनपुट दे सकता हूँ, मेरे को भोपाल से इंदौर का रिजर्वेशन करना है, तो ये सब मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इस पर्पज़ से मेन फ्रेम यूज़ किया जाता थे एक कंपनी में, कि भाई बहुत सारे यूज़र्स हैं उनके पास, उनको कंप्यूटर चाहिए, तो सब एक ही कंप्यूटर पर काम कर लेंगे। तो
तो ये मेन फ्रेम का पर्पस था। अभी भी IBM के कहीं कहीं पे कुछ मशीन्स मिल जाएंगी जो चल रही होंगी, कुछ एप्लीकेशंस को रन कर रही होंगी, तो वो है, दैट इज़ मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर तो ये बीच में, हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर था उससे पहले एक सिस्टम बना दिया था जो छोटा था साइज़ में, लेकिन इसमें भी कैबिनेट था, इसमें बहुत बड़ा सा मदरबोर्ड था और इसके अंदर भी प्रोसेसर्स थे। ये मेजरली सन का डेवलप किया हुआ सिस्टम था, सन। तो स्पार्क जो है सन का प्रोडक्ट है, तो सन का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, सन माइक्रो सिस्टम्स करके कंपनी है, उनका प्रोडक्ट है। तो ये लोग मिनी लेके आए थे, बड़ी जल्दी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर भी आ गया। ये माइक्रो कंप्यूटर, ये वर्क स्टेशन की डेफिनेशन है अगर आप देखना चाहें तो। सो दिस इज़ वर्क स्टेशन, सिंपल सिस्टम है हमारा। ओके, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ओके, ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर तो आप जब इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, लेकिन इसको सुपर कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि एक सुपर कंप्यूटर में, हमारे घर पे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं कंप्यूटर के, उनमें एक प्रोसेसर या दो प्रोसेसर होगा, बट यू कैन एम्प्लॉय 250,000 प्रोसेसर। ये एक नॉर्मल सिस्टम की कैपेसिटी है। आजकल जो सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो अप टू 15 लाख प्रोसेसर की कैपेसिटी के आ रहे हैं, कि वो एक सुपर कंप्यूटर में आप इतने सारे प्रोसेसर्स लगाएंगे। नाउ इमेजिन द स्पीड ऑफ दैट सुपर कंप्यूटर, इसीलिए अपन उसको सुपर कंप्यूटर बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट है वो, बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं उसमें। हमारे और आपके सिस्टम में जो है वो एक प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर से मेरा मतलब है कि मैं आपको प्रोसेसर फिर से यहाँ हार्डवेयर में दिखाता हूँ, कैमरा इंटीग्रेटेड आप इसमें आएंगे तो यहाँ मेरे सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो ये वाला जो CPU का कूलिंग यूनिट है, इसके नीचे एक प्रोसेसर लगा हुआ, मैं आपको वो भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो एक है हमारे पास जिससे मेरे पूरे काम हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज सुपर कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे अपन आज का वीडियो रोकते हैं। सर्वर्स हैं, क्लाइंट सर्वर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कंपोनेंट्स ऑफ CPU पर डिस्कशन करना है, CPU की कैश मेमोरीज पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वीडियो बना के डालता हूँ, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जब भी समय मिलता है एक वीडियो ज़रूर बना लेता हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स को, सभी को जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं प्रोबेबली कल।